सीएसआर नेट क्रैक करने का फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझना। बीइंग इन ऑल इंडिया रैंक होल्डर मैं वीरेन सिंह बनाऊंगा आपके सीएसआर नेट प्रिपरेशन को आसान। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड यूज द कोड वीरेन अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पाने के लिए। Hey guys, welcome to the Smart Learning Academy. My name is Virendra Singh और आप जुड़े हुए हैं Smart Learning Academy चैनल के साथ। तो मैं आपको बता दूं, Smart Learning Academy आपके लिए कई सारे इनिशिएटिव्स आपके बेटरमेंट प्रिपरेशन के लिए कि आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सके, तो बूस्ट योर प्रिपरेशन स्मार्ट लर्निंग अकेडमी लेके आया है कई सारे क्रैश कोर्स, प्रॉब्लम सॉल्यूशन सीरीज एंड योर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी टिप सीरीज। सो लॉट्स ऑफ सीरीज आर देयर, सो वी आर गोइंग टू ऐड वन बाई वन वीडियोज और वी आर गोइंग टू टेक लाइव सेशंस इन दोज सीरीज फर्दर इन नेक्स्ट सम वीक्स और सम मंथ्स। सो यहाँ पे जब हम बात करने वाले हैं कि आप जुड़े हुए हैं स्मार्ट लर्निंग अकेडमी के साथ, तो ये क्रैश कोर्स सीरीज चल रहा है। क्रैश कोर्स पे ध्यान रखे रहिएगा कि हर एक दिन आपको एक वीडियो मिलता है, 10 बजे जनरली लाइव किया जाता है वो एक वीडियो। सो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा ताकि आपको, और बेल आइकॉन भी दबा सकते हैं ताकि 10 बजे जब भी वो वीडियो अपलोड होता है आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देखकर अपनी तैयारी कर सके। ये क्रैश कोर्स आपके प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कन्वर्जन ऑफ पाइरुवेट टू द एसिटाइल कोएंजाइम ए, पाइरुवेट का कन्वर्जन एसिटाइल कोएंजाइम ए में भी करना जरूरी होता है कि जो पाइरुवेट है वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो। क्यों? क्योंकि तभी वो जाके माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोलिसिस जो हो रही होती है, ठीक है, याद रख रहेगा रिस्पिरेशन की जब मैं बात करता हूं, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रिस्पिरेशन, ठीक है, कई बार ये बेसिक क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है, भैया रिस्पिरेशन पढ़ रहे हैं तो इसमें जो क्या होता है, पहले होता है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा स्टेप क्या होता है जिसको बोलते हैं साइट्रिक एसिड साइकिल, रुकिए इसको थोड़ा सा और दूसरा स्टेप जो होता है ग्लाइकोलिसिस के बाद, वो दूसरा स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल को ए। तीसरा स्टेप होता है साइट्रिक एसिड साइकिल। चौथा स्टेप होता है दैट इज व्हाट, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ये होता है फोर्थ स्टेप, ठीक है। रिस्पिरेशन कुछ इसी तरीके से चलता है प्रोकैरियोट में। ये कहां होता है? ये होता है साइटोसोल में। ये यूकैरियोट में कहां पे होता है? उसमें भी साइटोसोल में। उसके बाद जो फॉर्मेशन होता है एसिटाइल कोए का, ये प्रोकैरियोट में कहां पे होता है? साइटोसोल। टीसीए साइकिल साइटोसोल, ये कहां पे होता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और मीजोजोम बोला जाता है उसको, वहां पे होता है। नाउ लेकिन यूकैरियोट में इसके बाद सारे प्रोसेसेस कहां पे होते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। कहां पे होगा? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ये कहां होता है? ये कन्वर्ट होगा जबकि मिनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, समझ में आ गई बात, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सो ये स्टेप भी इंपॉर्टेंट होता है जो अक्सर हम मिस कर जाते हैं। सो नाउ इसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, द कन्वर्जन ऑफ द पाइरुवेट टू द एसिटाइल कोए। इसको कन्वर्ट करने के लिए पाइरुवेट कितने कार्बन का कंपाउंड है? यहां पे देखिएगा अभी एक बार और, ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन का कंपाउंड होता है, पाइरुवेट 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। पाइरुवेट जो होता है 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। अभी तक कोई कार्बन कम नहीं हुआ है क्योंकि 6 कार्बन से 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन के बने हैं, कोई भी कार्बन कम नहीं हुआ। तो यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन का स्टेप हुआ ही नहीं है। अब होगा वो स्टेप डी कार्बोक्सिलेशन का, जहां पे पाइरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम पे कन्वर्ट होगा, 2 कार्बन जो होगा उसमें कन्वर्ट होगा, यानी कि 1 कार्बन यहां से उड़ेगा। किस फॉर्म में उड़ेगा? CO2 के फॉर्म में उड़ जाएगा। तो 1 कार्बन CO2 के फॉर्म में होगा। ये पूरा प्रोसेस जो है वो 3 एंजाइम कैरी करते हैं, पूरा 3 एंजाइम का एक कॉम्प्लेक्स कैरी करता है जिसको बोलते हैं पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। इसमें 3 एंजाइम होते हैं डिहाइड्रोजिनेज, डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज एंड डाइहाइड्रोलिपोइल डाइहाइड्रोजिनेज, ठीक है। पहले के लिए जो एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप चाहिए TPP, दूसरे के लिए लिपोमाइड, तीसरे के लिए FAD चाहिए।
एंड ये स्टेप, ये तीनों एंजाइम मिलके जो इस पाइरूवेट को एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट करते हैं। पहले डीकार्बोक्सिलेशन होगा, फिर ऑक्सीडेशन होगा, फिर को एंजाइम ए का ट्रांसफर होगा और वो बनाएगा एसिटाइल को एंजाइम ए। को एंजाइम आर नीडेड फॉर ईच ऑफ दीज स्टेप्स। डी कार्बोक्सिलेशन के लिए पहला काम होगा, डी कार्बोक्सिलेशन का काम करेगा, दैट इज व्हाट द ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ द पाइरूवेट E1। यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है विच इज दैट E1। क्या यहाँ पे को चाहिए, दैट इज द TPP। उसके बाद दूसरा स्टेप ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कौन करता है, रीजनरेशन, दैट इज व्हाट द रीजनरेशन ऑफ ऑक्सीडाइज लिपोमाइड, दैट इज द ऑक्सीडेशन E3। उसके बाद यहाँ क्या चाहिए, FAD। नाउ द ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप कौन करेगा, E2। क्या चाहिए इसके लिए, लिपोमाइड, लिपोअमाइड। समझ में आ गई बात। चलिए सो ये रहा आपका ऑर्डर कि कैसे चल रहा है, कैसे कन्वर्ट हो रहा है, होप ये क्लियर होगा। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द साइट्रिक एसिड साइकिल। कौन सा पार्ट है जिसको बोलते हैं साइट्रिक एसिड साइकिल। अपने आप में ये बहुत महान पाथवे होता है, क्यों देख के डर लग रहा होगा, बड़ा ही महान पाथवे है, साइट्रेट बंद ऑक्सिलोएसिटेट से जुड़ेगा। देखिएगा बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डायग्राम देख के ऐसा लग रहा होगा कि क्या हो गया है, बहुत ही सिंपल है। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर इसलिए बनाया हूं क्योंकि एक आपको छोटा सा हिंट दूंगा, CSIR के कई क्वेश्चंस ना गेट से उठाए गए हैं और गेट के कई क्वेश्चंस CSIR के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से उठाए जाते हैं। ठीक है, तो CSIR में स्ट्रक्चर एक बार पूछा गया है, पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद कुछ इस बार स्ट्रक्चर भी पूछ ले। तो कार्बन नंबर याद रखे रहिएगा ताकि आप क्वेश्चन जो है उस तरीके से पिक कर ले, क्योंकि मेरा सिक्स सेंस थोड़ा सा चलता रहता है, इसलिए मैं इस डायग्राम को यहाँ पे पुट किया हूँ ताकि स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है या याद रखे रहे आप लोग। ठीक है, तो ये सिक्स सेंस CSIR में भी काम आता है, आया हुआ था, तो शायद गेट में भी काम आ जाए। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, दैट इज व्हाट एसिटाइल को ए के बारे में बात करते हैं। ये था दो कार्बन कंपाउंड, जुड़ेगा किससे, ऑक्सिलो एसिटेट से। ये कितने कार्बन का कंपाउंड है, 4 कार्बन कंपाउंड, 2 कार्बन कंपाउंड 4 कार्बन कंपाउंड। ये मिलेगा क्या बनाएगा, साइट्रेट बनाएगा। कितने कार्बन का कंपाउंड है, 6 कार्बन कंपाउंड। ये साइट्रेट एकोटिनेज से एकोटिनेज, फिर वो बनाएगा किसमें, आइसोसाइट्रेट में। आइसोसाइट्रेट और साइट्रेट में फर्क बस इतना होता, देखिएगा ये C2, ये क्या है, ये C2 एसिटाइल को ए से आया हुआ है, ये C2 एसिटाइल को ए से आया हुआ है, ये C2 एसिटाइल को ए से आया हुआ है, ये C2। कलर आपको दिख रहा होगा, कलर दिख रहा है, वो थोड़ा सा उसमें डार्क कलर ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, CC को लेबल किया हुआ है उन्होंने कि एसिटाइल को ऐसे कौन सा चल रहा है। ठीक है, सो नाउ दिस इज व्हाट, कि इसीलिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट इस डायग्राम में रखा हूं कि ये क्या होगा, आइसोसाइट्रेट में देखिएगा कि जो यहाँ पे आइसोसाइट्रेट OH का पोजीशन जो है वो मिडिल में होता है, साइट्रेट में मिडिल में होता है, लेकिन आइसोसाइट्रेट में वो आइसो पोजीशन पे होता है इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो बीच में होता है उससे सीधे अपोजिट में होता है OH, लेकिन यहाँ पे देखिएगा आइसो पोजिशन पे, दैट इज द आइसोसाइट्रेट। ये क्वेश्चन आया हुआ है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद आ जाए, इसलिए ये ध्यान रखे रहिएगा। नाउ आइसोसाइट्रेट से जब पहला अब यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन और डीहाइड्रोजिनेशन होगा, मतलब NADH की सिंथेसिस और CO2 का रिमूवल। CO2 निकला, NADH बना, दैट इज आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज होगा। इसमें आएगा 5 कार्बन कंपाउंड, अकेला ऐसा कंपाउंड है पूरे के पूरे क्रेब्स साइकिल में जो कि 5 कार्बन का बना होता है। फिर वो कन्वर्ट होगा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज से, इस स्टेप पे भी 5 कार्बन से 4 कार्बन पे आएगा, जिसको बोलते हैं सक्सिनिल को एंजाइम ए। 4 कार्बन पे आएगा सक्सिनिल को एंजाइम ए, यानी देखिए 6 कार्बन था आइसोसाइट्रेट भी, उसके बाद 5 कार्बन, फिर 4, यानी इन दोनों स्टेप पे एक एक कार्बन कम हो रहा है। तो कम कहां पे होगा, कैसे उड़ेगा कार्बन, CO2 के फॉर्म में, मतलब इन दोनों पोजीशन पे डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा होगा। देखिएगा CO2 उड़ रहा है, CO2 आपका उड़ रहा है यहाँ पे और NADH बन रहा है। तो ये दोनों काम हो रहे थे, डिहाइड्रोजिनेशन एंड द CO2 डीकार्बोक्सिलेशन। नाउ सक्सिनिल कोएंजाइम ए किसमें कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट होता है सक्सिनेट में। इस स्टेप पे क्या बनता है, GTP, क्या बनता है, GTP बनेगा आपका। नाउ उसके बाद बात करूंगा कि ये GTP जो होता है सक्सिनेट के बाद आता है फ्यूमरेट। फ्यूमरेट में एक F से F याद रखिएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, FADH2। फ्यूमरेट से फिर मैलेट, मैलेट से जब वो ऑक्सिलोएसिटेट में कन्वर्ट होता है, ये सारे 4 कार्बन कंपाउंड चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं, 4 कार्बन कंपाउंड। मैलेट कैसा चल रहा है, 4 कार्बन कंपाउंड है और ऑक्सिलोएसिटेट भी 4 कार्बन है, लेकिन मैलेट और
ऑक्सिलोसिटेट में एक डिहाइड्रोजिनेशन होता है जहां पे NADH बनता है। क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कहां कहां पे डीकार्बोक्सिलेशन होता है, कहां कहां पे डीकार्बोक्सिलेशन स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस पूछ सकते हैं। और एक याद रखिएगा, एक जो क्रेब साइकिल बनता है, एक क्रेब साइकिल में जो होता है, देखिएगा दो कार्बन है, दो पाइरुवेट बने था। मैं इसको थोड़ा सा रिलेट करूंगा, थोड़ा वापस लेके आऊंगा, ठीक है। जो कर रहा था वो स्ट्रक्चर से कर रहा था, और कुछ चीजें मैं बता रहा हूं, जस्ट वेट, कुछ चीजें मैं अभी बताऊंगा, जस्ट प्लीज वेट। देखिएगा साइट्रेट यहाँ पे एसिटाइल ग्लूकोज से एसिटाइल कोएंजाइम में, ग्लूकोज से क्या बन रहा था, देखिए ग्लूकोज था एक, ठीक है, ग्लूकोज था एक, यहाँ पे बना था पाइरुवेट, पाइरुवेट बना था दो, यानी कितना बनेगा, दो बनेगा, दो एसिटाइल कोएंजाइम, यानी कि एक ग्लूकोज को कंप्लीटली मेटाबोलाइज करने के लिए कितनी बार क्रेब साइकिल चलेगी, एक ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने के लिए कितनी बार क्रेब साइकिल चलनी चाहिए, एक ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने के लिए दो बार क्रेब साइकिल चलेगी, दो बार क्रेब साइकिल चलेगी, जी बिल्कुल। चलिए तो अभी मैं आपसे कुछ करवाता हूं फटाफट, देखेंगे कि कौन समझ में आता है। एसिटाइल को ए बना, एसिटाइल को एंजाइम ए के बाद, दैट इज व्हाट द साइट्रेट, साइट्रेट के बाद आइसोसाइट्रेट, यहाँ पे NADCO2 निकला, अल्फा कीटोग्लूटरेट से फिर निकला, फिर सक्सिनिल से GTP बना, यहाँ से FADH2 बना, फिर H2O यूज हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, NADH बना, ठीक है। सो एक साइट्रिक एसिड साइकिल में जरा सा काउंट करिए महानुभाव लोग, जरा सा काउंट करिएगा, एक साइट्रिक एसिड साइकिल में कितने NADH बन रहे हैं, काउंट करिए, एक NADH, दूसरा NADH, तीसरा NADH, कितने NADH है, 3 NADH, एक साइकिल में 3 NADH बन रहा है। FADH2 कितना बन रहा है, एक बन रहा है, 1 FADH2, और कितना GTP बन रहा है, एक GTP बन रहा है। ये किसके लिए है, फॉर वन साइकिल, और कितनी बार ऑपरेट होना था, दो साइकिल के लिए, कितनी बार ऑपरेट होना था, दो साइकिल फॉर कंप्लीट मेटाबॉलिज्म, तो दो साइकिल जो होगा कंप्लीट मेटाबॉलिज्म के लिए यूज होता है। सो नाउ अब देखिएगा, इसको पूरा का पूरा एक बार रिलेट करता हूं, सी रिलेट करता हूं, यहां तक जो मैंने अभी तक बताया आपको, ग्लूकोज था, ग्लूकोज से क्या बना, ग्लूकोज से बना पाइरुवेट, ठीक है, पाइरुवेट बना, ग्लूकोज था एक मॉलिक्यूल, ये कितना बना, दो बना, दो से इससे एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, एसिटाइल कोएंजाइम ए बना। यहां पे देखिएगा क्या निकल रहा था आपके लिए, -2 ATP यूज हुआ, कितना ATP बना, 4 ATP बना था, उसके अलावा कुछ और बना था, 2 NADH बना था, यहां पे 2 NADH और बनेगा, 2 NADH और बनेगा, क्यों, क्योंकि यहां पे भी दो डिहाइड्रोजिनेज वर्क कर रहा था, 2 NADH बन रहा था। एसिटाइल कोएंजाइम ए से ऑक्सिलो एसिटेट मिलके वापस साइट्रिक एसिड साइकिल चल के ये बनता है। इसमें तीन चीजें बनती हैं कंप्लीट मेटाबॉलिज्म के लिए, दो एसिटाइल कोए के लिए कितना बनेगा, 6 NADH, 6 NADH, 2 FADH2 एंड 2 GTP, दिस इज फॉर द कंप्लीट मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, कंप्लीट मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, कंप्लीट मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। नाउ अब देखिएगा पूरा एटीपी कैलकुलेट करिए, पूरा एटीपी कैलकुलेट करिए, एनएडीएच कितने, एक एनएडीएच कितना बनाता है बता देता हूं मैं, एक एनएडीएच जो होता है वो बनाता है 2.5 ATP, एंड एक जो FADH2 होता है वो कितना बनाता है, वो बनाता है 1.5 ATP, ठीक है। अगर इससे पहले कुछ और पढ़ा हो तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, इससे पहले अगर कुछ और पढ़ के आ रहे हो तो करेक्ट कर लीजिएगा, तो इसमें करेक्ट करिएगा 2.5। देखिएगा ये यहाँ पे -2 ATP +4 ATP, उसके बाद ये आ जाएगा 5 ATP, यहाँ पे आ गया, दो की बात करते हैं 5 ATP, यहाँ पे फिर आ जाएगा 6 × 2.5, ठीक है 15 ATP, उसके बाद FADH2, एक FADH2 1.5 बनाता है, तो दो कितना बनाएगा, 3 ATP, और ये 2 GTP 2 ATP के बराबर होता है इक्वली। तो टोटल काउंट करो जरा सा, दो माइनस कर देना इसमें से, तो 2 × 5 = 2 = 7 = 12 = 12 = 15 = 27 = 30 डिवाइडेड बाई +2 = 32 ATP। तो ये होता है टोटल ATP आज के टाइम पे जो रिस्पिरेशन में बनता है, 32 ATP बनता है रिस्पिरेशन के टाइम पे, समझ में आया। अब 34, 36, 38 का कॉन्सेप्ट हटा दीजिएगा, 32 ATP बनता है, 32 ATP बनता है, लेकिन तब जब ये कहां पे आपके पास NADH, NADH एंड
FADH2, ये क्या है? दीज आर द इलेक्ट्रॉन स्टोर, कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्टोरेज, इलेक्ट्रॉन स्टोरेज कंपाउंड। इनके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन स्टोरेज कंपाउंड है। जब तक ये कंपाउंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में नहीं आएंगे तब तक कैसे बनेगा? अगर ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में नहीं जाएंगे तो कैसे बनेगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है। सो NADH एंड FADH2 की बात करते हैं कि वो अब कैसे बनेगा। ढाई ATP की बात करते हैं या जो भी प्रोसेस हो रहा है, ये अब जाएगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में। जैसे मैंने आपको पूरा काउंट किया, ठीक है, वो पूरा का पूरा काउंट जो जिस तरीके से बताया उस तरीके से चलेंगे, ठीक है। सुनाओ, ये आपका एक एनरोबिक रिस्पिरेशन और एरोबिक रिस्पिरेशन की बात करते हैं। ये पुराना डेटा दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, इन्होंने 3.2.5 को लेके कैलकुलेट किया है। नाउ तो देखने की कोशिश करिएगा कि ये पुराना डेटा दिया हुआ है। बस एक छोटी सी चीज यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि रिस्पिरेशन एरोबिक एनरोबिक दोनों होती है। अगर रिस्पिरेशन की बात करते हैं तो रिस्पिरेशन के केस में, व्हेन यू आर गेटिंग द रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन के केस में जब एरोबिक होता है, जब एरोबिक होगा तो आपको मिलता है कितना एटीपी? 32 एटीपी मिलता है जब एरोबिक होता है। और जब एनरोबिक होता है, जब एनरोबिक रिस्पिरेशन होता है तो इसमें कितने एटीपी बनते हैं? 2 एटीपी बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन यूज नहीं हो पाता एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सो हे गाइस, होप कि आपको बहुत मजा आया होगा वीडियो देख के। अगर आपको मजा आया होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर आपको एक सेशन पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जो भी इस फील्ड में प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितना कंटेंट जो है फ्री प्रोवाइड कर सकूँ और उन लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते स्टडीज को। सो आप लोग भी थोड़ा सा इस पर हेल्प करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट कि सबको ये चीजें फ्री में अवेलेबल हो सके और वो स्मार्टली अपने एग्जाम के प्रिपेयर कर सके। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, एंड आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टिल देन बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। सीएसआई नेट क्रैक करने का फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझना। बीइंग इन ऑल इंडिया रैंक होल्डर, मैं वीरेंद्र सिंह बनाऊंगा आपके सीएसआई नेट प्रिपरेशन को आसान। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड यूज द कोड वीरेन अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पाने के लिए।